प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपना 13वां पाठ धूप जो कि एक कविता है इसके लिखित प्रश्नों पे थे। कल हमने आपको लिखित प्रश्नों को करवाया था, जिसे आप अपने नोटबुक में लिखते हैं। कल हमने आपको पहला प्रश्न लिखवाया था। पहला प्रश्न था हमारा, प्रश्नों धूप सुबह से शाम तक क्या क्या करती है। तो हमने बताया था कि धूप संसार में हर जगह जाती है। इसका उत्तर हमने लिखा था, धूप सुबह से शाम तक संसार में हर स्थान में जाती है, तथा बाग, बगीचे, खेत खलिहान, घर, छत, गांव, ताल तलैया, नदी तक जाती है। तो धूप का क्या काम होता है वो हमने आपको बताया था और लिखवाया था। तो इसे आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, क्योंकि ये लिखित प्रश्न उत्तर है। और आज हम इसका दूसरा हमें उत्तर लिखवाना है, यदि धूप सोती ही रह जाए तो क्या होगा। ये हमारा आज लिखित का दूसरा प्रश्न है और हम आज इसका उत्तर आपको लिखवाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं लिखित का। ये हमारा प्रश्नों के उत्तर लिखने से हम आपको पता ही है, लिखित का दूसरा है प्रश्नों के उत्तर लिखो। और हमारा उत्तर है इसमें ख, प्रश्न यदि धूप सोती ही रह जाए, यदि धूप सोती ही रह जाए, सोती ही रह जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो पहले चर्चा कर लेते हैं, अगर धूप की सोती रह जाने के कारण, मतलब अगर सूरज ही ना निकले, अगर धूप सोती रह जाए, अर्थात क्या है कि अगर सूरज ही ना निकले तो क्या हो। आपको पता है अगर सूरज ना निकले तो कलियां नहीं खिलेंगी और पेड़ पौधों को, जीवों को, सभी को जो होती ताकत शक्ति सूर्य ही देता है। अगर आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा कि सूरज की जो किरणों से ही या धूप से ही जो पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर सूरज ही नहीं निकलेगा तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे। अगर मान लिया जाए कि कभी सूरज ही निकले ना निकले तो क्या होगा, एक तो दिन रात का हमें पता ही नहीं चलेगा, रात की रात ही रह जाएगी। और अगर रात बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, कुछ महीनों तक चलेगी, तो सभी पेड़ पौधे मारे जाएंगे। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, तो ये दुनिया जो सुंदर है वो सब समाप्त हो जाए, सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे अन्य जीव जंतु हों। हम सभी धूप पर, सूरज पर ही आश्रित हैं, तो धूप के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तो हम इसे लिखते हैं, इसको करेंगे, हम ईवीएस के अनुसार तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यदि धूप सोती ही रह जाए तो पूरा संसार क्या होता है, अंधेरे में डूब जाए। कल्पना करो बच्चों, एक बार आप कल्पना करो कि अगर सोचो सूरज ही नहीं निकला तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, कुछ घंटों बाद क्या होगा। जो जब लोग उठ के जागेंगे देखेंगे कि अरे चारों तरफ तो अंधेरा है,
और क्योंकि भाई लोग लोग तो जाग जाएंगे, ये नहीं कि सूरज नहीं निकलेगा, धूप नहीं निकलेगी तो लोग नहीं जागेंगे, पशु पक्षी नहीं जागेंगे, लेकिन उनको बड़ी हैरानी होगी कि ये रात इतनी लंबी क्यों चली जा रही है, जबकि सूरज को और धूप को तो निकल जाना चाहिए था और सब तरफ अंधेरा छा जाएगा। सारी दुनिया जो रंगीन है, सुंदर लग रही है, तुरंत ही वह खतरे में पड़ जाएगा। और कुछ घंटों कुछ महीनों के बाद आप देखोगे कि सभी जीव बेचैन हो जाएंगे, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, अगर उन्हें धूप नहीं मिलेगा तो वे अपना भोजन नहीं बना पाते, आपको पता है EVS में पढ़ाया गया था, और पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो उन पे जो निर्भर बाकी जीव हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो मनुष्य हों चाहे वो शेर चीते भी हो, क्योंकि शेरों को भी खाने के लिए हिरन चाहिए और हिरन को जिंदे जीवित रहने के लिए घास चाहिए पत्ते चाहिए, तो सभी जीव प्रभावित हो जाएंगे, सारे जीव मारे जाएंगे, सबके जीवन पे संकट आ जाएगा। तो यही हमें सोच करके इसके बारे में लिखना था, इसीलिए इस क्वेश्चन को बच्चों हॉर्स के अंतर्गत में दिया था, हाई ऑर्डर थिंकिंग, हमें अपना दिमाग लगाना है सोचना है, तो जो धरती की सुंदरता है वो सब खत्म हो जाए। हमारी धरती है वो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर धूप सोती रह जाएगी तो पूरा संसार अंधेरे में डूब जाएगा, धरती की सुंदरता समाप्त हो जाएगी और सभी जीव जंतु भी समाप्त हो जाएंगे मारे जाएंगे। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, यदि धूप सोती ही नहीं है यदि धूप सोती ही रह जाए तो पूरा संसार अंधेरे में ही डूब जाएगा, अंधेरे में ही डूब जाएगा। तथा धरती की सुंदरता सुंदरता तथा हम इधर इधर पे अल्पविराम लगा देते हैं और इसी वाक्य में जीव जंतुओं का भी जोड़ देते हैं, धरती की सुंदरता तथा सभी जीव जंतु सभी जीव जंतु या सभी प्राणी भी डाल सकते हैं, प्राणी जिसमें प्राण होता है चाहे वो पेड़ हो चाहे पौधे हो, हम सभी प्राणी प्राणी का अर्थ होता है जिनमें प्राण हो, सभी प्राणी भी समाप्त हो जाएंगे, भी समाप्त हो जाएंगे पूर्ण विराम। तो ये था हमारा ख लिखित प्रश्न,
एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। यदि धूप सोती ही रह जाए तो क्या होगा? मतलब धूप निकले ही नहीं, सोती रह जाएगा मतलब न सूरज निकले, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो धूप भी नहीं निकलेगा, धूप भी नहीं निकलेगी, धूप स्त्रीलिंग होती है। यदि धूप सोती ही रह जाए तो क्या होगा? यदि धूप सोती ही रह जाए तो पूरा संसार अंधेरे में ही डूब जाएगा, धरती की सुंदरता तथा सभी प्राणी भी समाप्त हो जाए। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न, इसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसके बाद अब हम जो पाठ्यपुस्तक के अभ्यास प्रश्न हैं उनको करेंगे। और ये बहुत ही, इसे आपको अपने पाठ्यपुस्तक में ही करना होगा क्योंकि जगह दिया हुआ है बच्चों, अगर जगह दिया है तो हम इसे अपने पाठ्यपुस्तक में कर सकते हैं। और ये भाषा से के अंतर्गत आएगा और आपको पता है भाषा से के अंतर्गत जो आते हैं प्रश्न वह होते हैं व्याकरण से संबंधित। तो व्याकरण से संबंधित हमारे प्रश्न हैं, ये है भाषा से। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि धूप सोती ही रह जाए तो पूरा संसार अंधेरे में ही डूब जाएगा, धरती की सुंदरता तथा सभी प्राणी भी समाप्त हो जाएंगे, सभी प्राणी भी समाप्त हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न भाषा से के अंतर्गत। तो हमारा व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और स्थान दिया हुआ है तो हमें बड़ी सुविधा होगी इसे करने के लिए, पाठ्य पुस्तक में कर लेंगे। भाषा से प्रत्येक पंक्ति में जो समानार्थी नहीं है उन पर गोला लगाओ। समानार्थी आपको मैंने बता रखा था, पर्यायवाची भी कहते हैं। प्रत्येक पंक्ति में आधारण होता है पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में जो समानार्थी नहीं, समानार्थी मतलब इसका समान अर्थ का शब्द नहीं है, समानार्थी नहीं है उस पर ये जो गोला या फिर घेरा आप कुछ भी कह सकते हैं लगा, उस पर हमें घेरा लगाना है या फिर गोला लगाना है। और पहली पंक्ति मैं लिख देता हूं तो इसके अंदर हमें समानार्थी, फिर से आपको एक बार याद दिला दें, समानार्थी होता क्या है, समान अर्थ वाला शब्द। तो हम मैं एक पंक्ति लिखने जा रहा हूँ उसमें समानार्थी या फिर आप इसका दूसरा नाम होता है पर्यायवाची शब्द, अगर उसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है दिया शब्द का, तो उसको हमें पहचानना है और उस पर गोला लगाना है। तो शुरू करते हैं। संध्या, पहले पंक्ति की बात कर रहे थे हम, संध्या पहला शब्द था, संध्या दूसरा दे रखा है, शाम फिर सांझ उसके बाद में है अंधेरा।
अंधेरा शाम सांझ अंधेरा है और इसके अंदर हम चलते हैं, इनके अर्थ पे चलते हैं। संध्या का अर्थ होता है शाम, जब सूरज डूबता है उस समय को संध्या कहा जाता है। इसे शाम भी हम आम भाषा में बोलते ही, इसे सांझ भी कहा जाता है। तो ये सब समानार्थी या हम कहेंगे संध्या के पर्यायवाचक। अंधेरा अलग चीज है, अंधेरा जब रोशनी नहीं होती है उसे अंधेरा कहते हैं। जैसे अगर आप हम कहेंगे कि अगर लाइट चली जाए तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा लेकिन शाम नहीं होगा। आप इसका अंतर समझ गए होंगे। अंधेरा वह स्थिति होती है जहाँ पे प्रकाश नहीं होती, चाहे सूर्य के प्रकाश ना हो, चाहे बल्ब का हो प्रकाश ना हो, चाहे मोमबत्ती का या दिए का प्रकाश ना हो, उसको अंधेरा कहा जाता है। और संध्या शाम या सांझ जब सूर्य डूबता है उस समय को कहा जाता है। तो अंधेरा ये हम कहेंगे समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है, हमें इस पर गोला लगाना है और हमने इस पर गोला लगा दिया। तो मेरे ख्याल से आपको उदाहरण से ही समझ आ गया कि हमें उस शब्द पे गोला लगाना है, घेरा लगाना है जो कि समानार्थी नहीं है, जो समानार्थी नहीं है। अगले पे चलते हैं। पग कदम पांव उसके बाद पैर। हाँ तो बच्चों पग का मतलब होता है पैर, पांव का भी अर्थ होता है पैर या पांव पैर। कदम क्या है, कदम अलग क्यों है, कदम दूरी होती है। कदम जैसे हम कहते हैं यहां से 10 कदम दूर, तो कदम क्या है, दूरी है। और पग पांव पैर शरीर का अंग है, ये दोनों में अंतर था। पग पांव पैर ये हमारे शरीर के अंग हैं जिससे हम चलते हैं, लेकिन जो कदम है वह दूरी है। दूरी नापने के लिए जैसे हम कहते हैं कि 10 कदम दूर आपको ये मिलेगा, 50 कदम दूर आपको वह मिलेगा, तो ये दूरी नापने का इकाई है। तो हम कहेंगे कदम ये समानार्थी नहीं है और हम इस पर गोला लगाएंगे। अगली पंक्ति में चलते हैं। कोमल उसके बाद में है नरम, फिर है ढीले, उसके बाद है मुलायम। इन चारों शब्दों को देखते हैं, कोमल नरम ढीले मुलायम, तो ये सब कोमलता के लिए ही है। जैसे नरम है कोमल है और मुलायम है, इसका अर्थ है ये हम कोमलता दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ढीला अलग चीज होता है, ढीला कोमलता के लिए नहीं होता है। जैसे रस्सी की गांठ ढीली पड़ गई, तो ढीली मतलब इसे कहेंगे जो कसी ना हो, तो कसी का मतलब ढीले नहीं। तो कोमल नरम और मुलायम यह कोमलता दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ढीले क्या होता है, ढीला अलग चीज है। यह जैसे रस्सी की हमने आपको बताया रस्सी की गांठ ढीली पड़ गई, तो यहाँ पे कोमलता नहीं दर्शाई जा रही है, तो ये अलग शब्द है।
और अलग शब्द को हम लोग गोला लगाते हैं, तो इसको लिखते हैं ढीले समानार्थी शब्द नहीं है, और इसीलिए हमने इस पे गोला लगाया। अगला हमारा एक और पंक्ति बची है, फूल कमल पुष्प सुमन, ये हमारा अंतिम पंक्ति है फूल, उसके बाद दिया है कमल, फिर है पुष्प, फिर सुमन। फूल का समानार्थी या पर्यायवाची आपको पता ही है, फूल का या फिर पुष्प का, फूल का कुल पुष्प सुमन कुसुम सबका अर्थ एक होता है, और कमल एक प्रकार का फूल है, याद रखना। कमल जो है नाम, एक प्रकार का फूल है जो कि पानी में होता, तालाबों में होता है, तो ये अलग है। फूल किसी भी फूल के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको पुष्प सुमन कुसुम कहा जाता है, लेकिन कमल एक प्रकार का फूल है, तो ये अलग है, ये समानार्थी नहीं है, यह फूल का समानार्थी नहीं है, तो हम इस पे घेरा लगाएंगे या गोला लगाएंगे। तो फिर आपको समझ आ गया कि कमल जो है एक प्रकार का फूल है, कमल क्या है, एक प्रकार का फूल है, तो पुष्प सुमन और फूल हम कहेंगे कि ये फूल के समानार्थी हैं या पर्यायवाची। तो ये था हमारा भाषा से का पहला प्रश्न। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, और पढ़ो समझो और लिखो। तो बच्चों दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, ये भी बहुत सरल है, ये भाषा से के अंतर्गत ही आएगा, व्याकरण से संबंधित है। तो हम अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो, दूसरा है तो इन शब्दों को, इन पंक्तियों को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या दिया है, पहली पंक्ति हमें दे रखी है, आना आती आई आएगी, और इसी के अनुसार हमें पहले समझना है क्या लिखना है, तो उसी के अनुसार हम अन्य को भी लिखेंगे। तो पहला हमें दिया गया है, उदाहरण पहले ही दे रखा है, आना आना, उसके बाद है आती, आना के बाद में है आती, ये स्त्रीलिंग में है, आपने ध्यान दिया तो सिर्फ आई, ये भी स्त्रीलिंग में है, आई और आएगी, ये शब्द भी स्त्रीलिंग में, आना से ये शब्द बने हैं, आना आती आई आएगी, आना आती आई आएगी। और अब हम इसी तरह अन्य शब्द भी बनाएंगे, जो कि है पहला है जाना, जाना से शुरू करेंगे, जाना के बाद में इस वृक्ष का,
अगला है लुटाना, अगला शब्द है लुटाना, हमें लुटाना से अब शब्द बनाने हैं। रिक्सा हमने डाल दिया, मुस्काना, मुस्काना, मुस्काना से शब्द बने हैं, बनाने हैं। और अंतिम है खेलना, खेलना। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उदाहरण पे, पहले उदाहरण तो सीख लें। उदाहरण में क्या दिया गया है? आना, आना से आती, आई, आएगी। तो आना से ये जो तीन शब्द बने हैं, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, आपने ध्यान दिया होगा। आना से ये बनने वाले शब्द आती, आई, आएगी, ये स्त्रीलिंग है। तो उसी तरह हमें इन शब्दों को भी बनाना है, और वह क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग होने चाहिए। शब्द भी क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग। आना से आती, आई, आएगी। तो जाना से जाती, जाती, स्त्रीलिंग है ना, जाना, जाती। अब यहां जई नहीं लिखते हैं, जई कोई शब्द नहीं हिंदी में, गई होता है, गई। जई शब्द कोई नहीं होता, हाँ जाएगी होता है, हम लिखेंगे जाएगी, जाएगी, जाएगी शब्द होता है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सीमा स्कूल जाएगी, सीमा स्कूल गई, सीमा स्कूल जाती है, तो स्त्रीलिंग के लिए भी किया गया है। लुटाना से लुटाती, लुटाती, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। लुटाई, लुटाई, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। लुटाएगी, लुटाएगी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द। तो हमने जाना से भी बनाया और लुटाना से भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं तीनों। उसी तरह मुस्काना से, मुस्काना से मुस्काती, तो काजल फूलों से, फूलों से मुस्काती है, मतलब मुस्कुराती है। अगला है मुस्काई, लुटाई की तरह उसी तरह मुस्काई। अगला है मुस्काएगी, मुस्काएगी। ज़रा ध्यान से देख लीजिए इसे, मुस्काएगी। खेलना, खेलती, खेलती, खेली, खेली, खेलेगी, खेलेगी। तो सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, सबने आपने ध्यान दिया होगा, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं, हमने उदाहरण दे रखा था, आना, आती, आई, आएगी, जाना, जाती, गई, जाएगी, लुटाना, लुटाती, लुटाई, लुटाएगी, मुस्काना, मुस्काती, मुस्काई, मुस्काएगी, खेलना, खेलती, खेली, खेलेगी। तो बच्चों ये था हमारा, हमने शब्दों को जो स्त्रीलिंग रूप के अनुसार लिखा गया है, यहाँ से कहा जाए खेलना, ये सब है क्रिया शब्द ही थे, आना, जाना, लुटाना, मुस्काना, खेलना, ये सब क्रिया के शब्द थे, और हमने स्त्रीलिंग रूप में इसको लिखा है। आप इसे पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे, जगह दिया हुआ है, और याद करेंगे। शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।